वेद नहीं, वो उस परमात्मा का आदेश है। और जो वेदों का चिंतन करता है वो वास्तविक में वो प्रकृति का चिंतन कर रहा है, सत्य का चिंतन कर रहा है। हम तत्व का चिंतन कर रहे हैं, हम ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। वेद वास्तविक में वो प्रकृति का वो भेद है जिसको हम वेद कह रहे हैं। वेद में क्या है? वेद में किसी परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप नहीं है। अच्छा, वेद में किसी परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप नहीं। वेद में क्या है? सत्य है, तत्व है ना? है ना? वेद में क्या है? ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, इनकी समर्थता बताइए। वेद में प्रकृति का भेद है। और जो हमारी जीवन की पद्धति है, जो हमारी सनातनी पद्धति है, वो वैदिक है। वैदिक हमारी जीवन शैली, वैदिक हमारी शिक्षा, वैदिक हमारी व्यवस्था, और वैदिक पर ही केंद्रित है हमारा सुरक्षा। सब वैदिक है, सनातन है, नित्य है। हमारी जीवन शैली, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास, सब कुछ सनातनी है, वैदिक है। वो कैसा है? जैसे एक जीवन शैली ये बैठी है ना, हम पूरा प्रकृति केंद्रित जीवन शैली, प्रकृति केंद्रित जीवन शैली, वैदिक सनातनी। देखो कितनी समर्थता है, जल पर, अग्नि पर, वायु पर, सूर्य का प्रकाश हो, चंद्र का प्रकाश हो, ये माटी, ये हवा, ये पानी असाधारण शक्तियों का संचार करती है ना? करती है ना? तो जो वेदों का अध्ययन कर रहा है, जो वेदों का चिंतन कर रहा है, वो निश्चित है, वो तत्व का चिंतन कर रहा है, वो प्रकृति का चिंतन कर रहा है। प्रकृति केंद्रित जीवन शैली जो वेदों का अध्ययन कर रहा है, वो इस बात की प्रमाणिकता कर रहा है कि प्रकृति केंद्रित जीवन शैली, प्रकृति केंद्रित व्यवस्था और प्रकृति केंद्रित वो विकास, वो हमारी वैदिक सनातनी परंपरा में है। वैदिक सनातनी हमारी संस्कृति है। और जो हमारे राष्ट्र की संस्कृति है, वो राष्ट्र की संस्कृति पूरा धरा पर, भैरू पर, इस गंगा, यमुना, नर्मदा पर केंद्रित है ना? हम क्या कभी अपने जीवन की या कभी उस धर्म अध्यात्म की परिकल्पना बिन गंगा, बिन यमुना, बिन नर्मदा के नहीं कर सकते?